नखरा फुल विखावे। और दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए एक नया FLP प्रोजेक्ट लेकर आए हैं जो कि दोस्तों क्लब रिमिक्स FLP है, जिसका नाम है दोस्तों हाई नी तेरा कोका कोका, जो कि DJ अभिषेक जखेली यानी कि DJ अभिषेक साग की इनका नाम है और DJ अभिषेक जखेली के नाम से ये गाने रिमिक्स करते हैं और DJ कौसर, ये दो लोगों के कोलाबोरेशन से ये सॉन्ग तैयार हुआ है। तो दोस्तों आज इनकी FLP को हम रिव्यू करेंगे और आपको बताएंगे कि किस प्रकार से इन्होंने क्लब रिमिक्स तैयार किया है। तो दोस्तों इससे पहले भी हमने DJ अभिषेक जखेली की भोजपुरी FLP को अपलोड किया था अपने चैनल पे, जो कि आप लोगों ने काफी पसंद किया था। तो आज हम फिर से आपके सामने DJ अभिषेक जखेली और DJ कौसर दो लोगों की FLP यानी कि कोलाबोरेशन के साथ इस FLP को हम लेकर आए हैं। तो दोस्तों इस FLP को अगर आपको डाउनलोड करना है तो उसके लिए आपको पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी, जो कि पासवर्ड आपको 4 स्टेप में मिलेगा और FL स्टूडियो को 20.9.2 के वर्जन पर रन करेगा। तो दोस्तों चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों जैसे कि देखिए आपकी स्क्रीन के सामने कुछ इस प्रकार से अरेंजमेंट खुलकर आ गया है। दोस्तों बहुत ही अच्छा इन्होंने काम किया है दोस्तों, एक क्लब रिमिक्स किया है और काफ़ी इन्होंने समय दिया है इस गाने को बनाने में दोस्तों। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, हम अगर इनकी प्रोजेक्ट के ऊपर आते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ हम दिखा रहे हैं कि ये इन्होंने एक पैटर्न क्रिएट किया है कॉर्ड, ठीक है। ये कॉर्ड दोस्तों इन्होंने FL कीज का यूज करके बनाया है। उसके बाद दोस्तों इस अरेंजमेंट में इन्होंने बेस का यूज किया है, जो कि सब बेस का यूज किया है, जो कि FL स्टूडियो के स्टॉक प्लगइन 3XOSC से बना हुआ है। इसके बाद दोस्तों एक्स्ट्रा कॉर्ड के नाम से यहाँ पे जो है इन्होंने कुछ छोड़ दिया है। इसके बाद एक कॉर्ड FX है, यानी कि कॉर्ड का लेयर जो है अलग अलग तरीके से इन्होंने लगाया है, आप देख सकते हैं, इसको एक तरीके से कह सकते हैं स्लाइस कर दिया। स्नेयर लगाया है, ये भी स्नेयर अलग तरीके का, ये स्नेयर अलग तरीके का, ये भी अलग अलग तरीके का, ये सब स्नेयर एक यहाँ पे इन्होंने राइड लगाया। इसके बाद पैड लगाया दोस्तों, ठीक है। इसके बाद एक लीड लगाया है जो कि प्लग से बना है साइलेंट के, फिर एक और लीड लगा दिया वो भी साइलेंट से ही बना, यानी कि लीड नहीं है प्लग ही साउंड है, बट यहाँ उन्होंने लीड रखा है दोस्तों, ठीक है। एक और साइलेंट से प्लग लगाया, यानी कि प्लग का एक ग्रूव इन्होंने तैयार कर दिया है, आप यहाँ देख सकते हैं GMS से इन्होंने एक बेस लाइन तैयार किया है। एक और सब लीड लगाया दोस्तों साइलेंट का ही है, ठीक है, ये भी इन्होंने देख सकते हैं लीड लगा, बट आप प्ले नहीं हो रहा है क्योंकि दोस्तों इनका जो प्रोजेक्ट मैंने ओपन किया इसमें दोस्तों हमारे पास ड्यून की VST नहीं है, हमारे पास ड्यून 3 VST है, तो हो सकता है शायद ये ड्यून 2 से बना होगा, तो इसलिए शायद दोस्तों ये यहाँ पे प्ले नहीं हो रहा है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एनालॉग बेस यानी कि हार्मर का यूज किया गया है, एक सब लीड का यूज किया गया जो कि साइट्रस से बना हुआ है इलेक्ट्रिक। इसके बाद ये ड्रॉप सेक्शन बना हुआ है दोस्तों, जिसके लिए साइलेंट का अगेन यूज हुआ है, ठीक है। एक और ड्रॉप यहाँ पे बना हुआ है, उसके लिए भी अगेन साइलेंट का यूज हुआ है। एक और ड्रॉप यूज हुआ है दोस्तों, उसके लिए भी साइलेंट। तो हम कह सकते हैं कि ये पूरी तरीके से जो हमारा गाने में जो मेन पार्ट है वो साइलेंट VST की ही मेन भूमिका है दोस्तों। इंट्रो इन्होंने जो बनाया है वो भी साइलेंट से ही बनाया हुआ है, या एक लीड बना है वो भी साइलेंट से, एक और ड्रॉप बना है वो भी साइलेंट का ही यूज हुआ है। तो दोस्तों ये सारी VST को मिला के ये पूरा सॉन्ग यहाँ पे ये तैयार किया गया है। अब आइए बताते हैं कि इस गाने को तैयार करने के लिए सबसे पहले उन्होंने क्या किया। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक इंट्रो बनाया गया है, आप ये देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत के साथ दोस्तों ये इंट्रो चल रहा है इनका, जो कि साइलेंट दो साइलेंट की VST को एक साथ मर्ज करके दोस्तों एक ग्रुप तैयार किया गया है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आप यहां देखेंगे कॉर्ड लगाया गया है जो कि FL कीज से है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहां पे एक और बेस लाइन लगाया गया है जो कि एक सब बेस है, जिसको आप सब वाइब्रेशन के नाम से भी जानते हैं, इसको सब बेस बोलते हैं दोस्तों, ये सब बेस लगाया गया है, ठीक है दोस्तों। ये सब बेस ही दोस्तों हमारे सॉन्ग की पूरी जान होती है, जो हम अपना देसी अंदाज में जो भी रिमिक्स करते हैं चलिए ठीक है, बट अगर हम कुछ भी ओरिजिनल काम भी अगर हम अपना गान सॉन्ग प्रोड्यूस कर रहे हैं, या तो हम अगर अपना कोई क्लब रिमिक्स कर रहे हैं, हाउस रिमिक्स कर रहे हैं दोस्तों, तो उन सभी के लिए हमको ये हमारा जो सब बेस होता है वो सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है दोस्तों। तो ये स्नेयर है दोस्तों, एक और स्नेयर, 3-4 स्नेयर का इन्होंने यूज किया है, ठीक है, अलग अलग टाइप का। उसके बाद राइड लगाया है, अब यहां देख सकते हैं किक लगा, अब दोस्तों यहां आती है मेन समझने वाली बात।
दोस्तों जब कभी भी हम कोई भी क्लब रिमिक्स करेंगे तो उसके लिए दोस्तों हमको एक हार्ड किक की जरूरत नहीं पड़ती है, हमको सॉफ्ट किक चाहिए। भले ही उसमें पंच रहे बट वो हार्ड ना रहे दोस्तों, ठीक है। क्योंकि जब हम क्लब रिमिक्स करेंगे तो हम अपने सॉन्ग को जिस जगह पे प्ले करेंगे, यानी कि क्लब वगैरह हम प्ले करेंगे, तो वहाँ पे जो साउंड सिस्टम होता है दोस्तों वो बिल्कुल अलग तरीके का होता है, ठीक है। तो वहाँ पे जो हम अपना टक टक जो पंच वाला जो हम अपना हार्ड किक यूज करते हैं उसमें, वो साउंड में वो दोस्तों वो मज़ा नहीं देगा। इसलिए दोस्तों आप शुरू से ही देखते आए हैं, जहाँ जब भी कोई फिल्म का चाहे बॉलीवुड का किसी भी सॉन्ग का अगर आप क्लब रिमिक्स सुनते हैं तो उसके लिए दोस्तों आपने देखा होगा कि इसी प्रकार के किक का यूज होता है, जैसा कि इन्होंने किया है। और दोस्तों यहां पे अगर हम आते हैं देखते हैं तो एक और क्लैप लगा दिया इन्होंने, आप यहां देख सकते हैं कितना शानदार तरीके से चल रहा है दोस्तों। फिर यहां देखेंगे एक और यहां पे क्लैप लगा हुआ है जो कि बहुत माइनर सा वॉल्यूम रखा गया है। यहां पे एक क्लैप का पैटर्न रखा गया है दोस्तों, जो कि बहुत ही यूनिक साउंड कर रहा है दोस्तों। अब यहाँ से हमारा ये पूरा सॉन्ग चालू हो रहा है दोस्तों। यहाँ ये सब आप जैसे देख रहे हैं सब प्लग से बनाया गया है, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखा दिया, ठीक है दोस्तों। यहाँ इन्होंने ये सॉन्ग लगा दिया है सॉन्ग की कट करके, ठीक है। ठीक है, अभी सॉन्ग को दोस्तों उन्होंने 5 नंबर के चैनल में डाल दिया, जैसे कि आपको दिखा रहे हैं, ये ना कि इसका एक अपेला। इसके बाद ये सारे की प्रोसेसिंग कर दिया गया है, फ्रूटी पैरामीटिक EQ2 वगैरह इन सभी चीज़ों का यूज करके इसको प्रोसेस कर दिया गया साउंड को दोस्तों, ठीक है। और आगे अगर हम आते हैं फिर आपको दिखाते हैं यहाँ पे नीचे एक अपलिफ्टर रोल लगाया गया है, एक सिंथ शॉट लगाया है। अब यहाँ ड्रॉप बीट, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा इफेक्ट देने के लिए यहाँ पे ऑटोमेशन का यूज किया गया है, जो कि इस ड्रॉप के अंदर कट ऑफ यानी कि फ्रूटी फिल्टर का यूज करके इसमें कट ऑफ को ऑटोमेट कर दिया गया है। देखा, इसके बाद एक सब लीड लगा है, ये सब यानी कि बेस लाइन, लॉन्ग स्वीप दोस्तों यहाँ लगा गया है, नॉइज ड्रॉप ऑटोमेट, यहाँ देखिए दोस्तों कितना शानदार लग रहा है ये हाई नहीं तेरा कोका के नीचे कॉर्ड लग बिछा दिया गया है, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है दोस्तों। उसके बाद बेस लाइन लगा दिया गया है, एक रिवर्स अप लगा दिया गया, यानी कि सिंबल का रिवर्स लगा दिया गया। इसके बाद पैड सेक्शन का यूज किया गया है दोस्तों, ये पैड है, आप सुनिए, ये पैड हमारे साउंड नहीं कर रहा है, जैसा कि मैंने आपको बोला ड्यून 2 का VST भी इन्होंने यूज किया, वो ड्यून 2 हमारे पास नहीं, इसलिए शायद वो लोड नहीं ले रहा है। अगर आपके पास रहेगा तो लोड ऑलरेडी ले लेगा। यहाँ कुछ इस प्रकार से इफेक्ट, सारे एलिमेंट्स दोस्तों जो मैंने आपको आगे दिखाया वो सब एलिमेंट्स वही सेम ही है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे एक सॉन्ग हमारा अलग अलग पैटर्न पे चल रहा है, तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे एक ग्रुप टाइप का यहाँ पे एक रिदम तैयार किया गया है। ये सब देखिए, ये सब क्लब रिमिक्स का दोस्तों एक अलग टेक्सचर होता है इन सब चीजों को करना। तो दोस्तों जो मैंने आपको जो जो VST दिखाई, जो जो पैटर्न दिखाया, वही सारा पैटर्न यहाँ पे सब जगह यूज है, ठीक है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके दोस्तों एक एज अ कोलाबोरेशन के साथ ये सॉन्ग बना है, जो कि DJ अभिषेक जखेली और DJ अभिषेक कौसर, ठीक है, DJ अभिषेक साक्य और DJ अभिषेक कौसर, जो कि अभिषेक जखेली के रहने वाले हैं, इनके FLP को मैं आज रिव्यू कर रहा हूँ आप लोगों के सामने। तो दोस्तों देखिए, इन सब चीज़ों को करने के लिए आपको फिर म्यूजिक प्रोडक्शन के साथ आप कह सकते हैं कि एकदम इनके मास्टरिंग चैनल पे अगर हम आते हैं तो देखते हैं
कि यहाँ पे केवल फ्रूटी लिमिटर का यूज किया गया है, जो कि फ्रूटी लिमिटर में सीलिंग को इतना रख दिया गया है और थ्रेशोल्ड को भी इतना रखा गया है, और ये सारे गेन नॉब को पॉइंट मतलब 1 dB तक बढ़ा दिया गया और कुछ नहीं है। ये दो चीज़ों का यूज किया गया है, मैक्सिमस पैरामीट्रिक EQ 2, बट ये सब म्यूट हैं। तो दोस्तों अभी तक आपकी स्क्रीन पर इनके प्रोजेक्ट में लगा हुआ सारा पासवर्ड आ गया होगा, जो कि 4 स्टेप में पासवर्ड था, और इस पासवर्ड को दोस्तों आपको एक्सट्रैक्ट करने के लिए ही काम आएगा। अगर आप पासवर्ड वीडियो को बीच बीच में देखना बंद कर दें तो आप पासवर्ड को मिस कर दिए होंगे। तो दोस्तों आई होप कि आपको पासवर्ड को अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लिया। और DJ अभिषेक जकेली, जो कि क्लब रिमिक्स है, और DJ कौसर का ये जो कोलाबोरेशन था, और आप इसके बारे में कमेंट करके मुझे बताइएगा कि किस प्रकार का ये FLP है। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और कमेंट करके हमें बताइएगा कि इसके, तो आई होप कि दोस्तों आपके स्क्रीन पर पासवर्ड आ गया होगा DJ अभिषेक जखेली का, जो ये FLP है, जो कि बहुत ज़बरदस्त FLP है। इनका FLP मैंने ऑलरेडी पहले भी अपलोड कर चुका हूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिमांडेड था, और फिर से मैं इनकी FLP को लेकर आया हूँ। दोस्तों फिर से आपसे मिलते अगले किसी नए एपिसोड में, तब तक के लिए।